ना वोटिंग ना विरोध, स्पीकर निर्विरोध। जी हां, ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा स्पीकर चुने गए। बिरला को ध्वनि मत से 18वीं लोकसभा का नया स्पीकर चुना गया, जिसके बाद पीएम मोदी और नेता विपक्ष राहुल गांधी उन्हें आसन तक लेकर पहुंचे। और इस दौरान अचानक ट्विस्ट तब आया जब ध्वनि मत से बिरला को अध्यक्ष चुने जाने पर विपक्ष ने वोटिंग की मांग नहीं रखी और ओम बिरला को स्पीकर मान लिया। आपको दिखाते हैं सिपाही की रिपोर्ट कि न वोटिंग न विरोध, स्पीकर निर्विरोध। लोकतंत्र के मंदिर में बिना वोटिंग बिना तनाव मोदी ने पहली परीक्षा जीत ली और ओम बिरला लगातार दूसरी बार ध्वनि मत से लोकसभा स्पीकर बन गए। दोज इन फेवर में से आय, दोज अगेंस्ट में से नो, आई थिंक द आईज हैव इट, द आईज हैव इट। वैसे तो लोकतंत्र में चुनाव किसी भी पद के लिए हो, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष का पद ऐसा है जिसमें आम राय को हमेशा तवज्जो दी जाती रही है। वजह यह है कि सदन के सुचारू संचालन के लिए अध्यक्ष को दोनों पक्षों का सहयोग चाहिए होता है। तभी तो जब पीएम मोदी ने ओम बिरला को लोकसभा स्पीकर बनने पर बधाई दी तो लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने स्पीकर निर्वाचित होने पर ओम बिरला को बधाई देते हुए कहा, विपक्ष सरकार के साथ सहयोग करना चाहता है। अमृत काल के इस महत्वपूर्ण कालखंड में दूसरी बार इस पद पर विराजमान होना बहुत बड़ा दायित्व आपको मिला है और आपका 5 वर्ष का अनुभव और आपके साथ हम लोगों का 5 साल का अनुभव, हम सबका विश्वास है कि आप आने वाले 5 साल हम सबका मार्गदर्शन भी करेंगे और देश की आशा आपके छाये पूर्ण करने के लिए ये सदन अपना दायित्व निभाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। कॉन्फिडेंट दैट यू विल अलाउ अस टू रिप्रेजेंट आवर वॉइस, अलाउ अस टू स्पीक, अलाउ अस टू रिप्रेजेंट द वॉइस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। स्पीकर सर, द क्वेश्चन इज नॉट how efficiently the house is run. The question is how much of India's voice is being allowed to be heard in this house. Yeah. So the idea, Speaker Sir, so the idea that you can run the house efficiently by silencing the voice of the opposition is a non-democratic idea. बेशक आज सदन में शांतिपूर्ण तरीके से लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हुआ, बिना विरोध बिना वोटिंग के स्पीकर के नाम पर मुहर लगी, लेकिन स्पीकर के चुनाव के बाद जो संसदीय परंपरा की तस्वीर आई वो सबसे खूबसूरत है। स्पीकर के चुनाव के बाद लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और इसके बाद दोनों नेता नए स्पीकर ओम बिरला को लेकर स्पीकर के आसन तक पहुंचे और उन्हें आसन ग्रहण करवाया। 18वीं लोकसभा में राहुल गांधी नेता विपक्ष बने हैं और नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी नए स्पीकर को उनके आसन तक लेकर पहुंचे। हालांकि ओम बिरला दोबारा लोकसभा स्पीकर चुन लिए गए हों, लेकिन ओवैसी ने एक बार फिर डिप्टी स्पीकर की मांग उठा दी। उन्होंने कहा, इस हाउस का कैरेक्टर बदल चुका है, अब बीजेपी इस टीम रोल नहीं कर पाएगी। उम्मीद है कि सरकार डिप्टी स्पीकर बनाकर आपका बोझ कम करेगी। मुझे यकीन है कि आप वहां पर बैठे हैं तो यह ऐवान एक कीमती हीरे की तरह ना सिर्फ इस मुल्क की आवाम में दुनिया में चमकेगा और आप के बोझ को यह सरकार कम करेगी। डिप्टी स्पीकर बनाकर इतना बोझ आप पर नहीं डालना चाहिए। मैं मुबारकबाद देता हूं सर आपको, मैं मुबारकबाद देता हूं कि आप छोटी पार्टियों पर, यह ऐवान अपोजिशन और छोटी पार्टियों का भी है, हमको आप आवाज का मौका देंगे। इस हाउस का कैरेक्टर बदल चुका है सर, इस हाउस का कैरेक्टर बदल चुका है,
अब बीजेपी स्टीम रोल नहीं कर पाएगी, हम आपसे मुबारकबाद देते। खैर, जिस चुनाव और तनाव की उम्मीद थी वो खत्म हो चुकी है और ओम बिरला एक बार फिर लोकसभा के स्पीकर चुन लिए गए हैं। हालांकि जिस तरह विपक्ष ने तारीफ और तंज से ओम बिरला का स्वागत किया, इसकी तस्वीर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और सदन में अखिलेश यादव के अंदाज ने भी सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। जब अखिलेश यादव भाषण देने के लिए उठे, इस दौरान उन्होंने पहले तो ओम बिरला को बधाई दी और फिर बातों ही बातों में उन पर तंज भी कस दिया। आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने स्पीकर को बधाई देते हुए क्या कहा कि पूरा सदन ही ठहाके लगाने लगा। आपने कहा 5 करोड़ देंगे विधायक निधि, आपके पॉलिटिकल गेट क्या है? आप चुनाव जीत सकते हो लेकिन पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी नहीं है। इतना बदलाव आप लाए, मैं आपको बधाई देता हूं। आप टैबलेट ले आए यहां पर, जो वादा किया 2017 का, क्या है आपकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी? जो तेवर जो कलेवर अखिलेश यादव का यूपी के सदन में दिखता था, उसी जोश के साथ वो संसद भवन पहुंच चुके। पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी नहीं है, डेवलपमेंट की क्या क्रेडिबिलिटी है बताओ? कहां है आपका 20,000 फंड किसान के लिए? मैं अखिलेश यादव, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ। अखिलेश यादव जिस तरह यूपी के विधानसभा में सरकार को घेरते नजर आते थे, कुछ वैसी ही तस्वीर आज लोकसभा में दिखी, जब उन्होंने लोकसभा स्पीकर को बधाई देने के साथ तंज भी कस दिया। अखिलेश यादव ने कहा, निष्पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है, उम्मीद है कि लोकसभा स्पीकर सबको बराबर का मौका देंगे। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाए। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। अध्यक्ष महोदय, आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा ना हो। दरअसल विपक्ष की तरफ से समाजवादी पार्टी ही है जो कांग्रेस के बाद सांसदों की संख्या में दूसरे नंबर पर है, जिसकी झलक अब संसद में भी दिखने लगी है। अखिलेश यादव को सदन में बोलने का पहला मौका मिला हो, लेकिन उन्होंने इस मौके को बिना गवाए लोकसभा स्पीकर के बहाने बीजेपी पर भी निशाना साधा। मैं सदन में पहली बार आया हूं, ये नए सदन में, मुझे लगा कि हमारे स्पीकर की कुर्सी बहुत ऊंची होगी, क्योंकि मैं जिस सदन को छोड़ के आया हूँ, अध्यक्ष जी उसकी कुर्सी बहुत ऊंची है। उस समय भी मैं अध्यक्ष जी किसको कहूं कि ये कुर्सी और ऊंची हो जाए। जहां ये नया सदन है, वही मैं आपकी पीठ के पीछे देख रहा हूं, पत्थर तो सही लगे हैं, सब कुछ अच्छा लगा है, लेकिन कुछ दरार में मुझे कुछ सीमेंट अभी भी लगा दिखाई दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद है कि आप जितना सत्ता पक्ष का सम्मान करेंगे, उतना ही विपक्ष का सम्मान कर करके हमें भी अपनी बात रखने का मौका देंगे। मैं आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। अखिलेश यादव का अंदाज देख ओम बिरला भी मुस्कुराने लगे और बिना रोके टोके अखिलेश यादव को पूरी बात रखने का मौका दे दिया। वैसे तो अखिलेश यादव के लिए ये पहला मौका था, लेकिन अंदाजा लगाइए जब मुलायम परिवार के 5 सांसद सदन में किसी मुद्दे पर आवाज बुलंद करेंगे, सपा के 37 सांसद एक सुर में सदन के पटल पर यूपी की बात रखेंगे, तब तो जो तस्वीर यूपी विधानसभा से पहले दिखती थी, कुछ वैसी ही तस्वीर लोकसभा में भी नजर आएंगी। आपकी पीठ के पीछे देख रहा हूँ, पत्थर तो सही लगे हैं, सब कुछ अच्छा लगा है, लेकिन कुछ दरार में मुझे कुछ सीमेंट अभी भी लगा दिखाई दे। ब्यूरो रिपोर्ट,
मुझे उम्मीद है कि आप जितना सत्ता पक्ष का सम्मान करेंगे उतना ही विपक्ष का सम्मान कर करके हमें भी अपनी बात रखने का मौका देंगे। मैं आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और स्पीकर के चुनाव के बाद लोकसभा में इमरजेंसी के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया। लोकसभा अध्यक्ष ने 1975 में कांग्रेस सरकार में लगे इमरजेंसी की कड़ी निंदा की। सदन में इमरजेंसी के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया। मौन के बाद लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। इसके साथ ही हम उन सभी लोगों की संकल्प शक्ति की सराहना करते हैं जिन्होंने इमरजेंसी का पुनर्जोर विरोध किया, अभूतपूर्व संघर्ष किया और भारत के लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व निभाया। भारत के इतिहास में 25 जून 1975 के उस दिन को हम हमेशा काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। इस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई और बाबा साहब अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान पर प्रचंड प्रहार किया था। भारत की पहचान पूरी दुनिया में लोकतंत्र की जननी के तौर पर है। भारत में हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों और वाद संवाद का समर्थन हुआ, हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा की, उन्हें हमेशा प्रोत्साहित किया गया। ऐसे भारत पर श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा तानाशाही थोप दी गई, भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचला गया और अभिव्यक्ति की आज़ादी का गला घोटा गया।